मानवता के साथ मां की ममता को शर्मसार कर देने वाला एक मामला सामने आया। झरिया थाना क्षेत्र के हनुमानगढ़ी बनियाहिर स्थित प्राथमिक विद्यालय झरिया 1 के तालाबंद शौचालय में शुक्रवार की देर शाम नवजात शिशु का शव मिला। नवजात के शव की खबर से इलाके में हड़कंप मच गया। नवजात के शव को देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई। मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। झरिया पुलिस मौके पर पहुंचकर लोगों को शांत कर मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस को आता देख आसपास के लोग जुट गए। वहीं लोगों ने बताया कि विद्यालय में आज छुट्टी था। तालाबंद शौचालय में आखिर बच्चा आया कैसे, यह चर्चा का विषय बना हुआ है। झरिया पुलिस ने विद्यालय में काम करने वाली सुशीला देवी व माथी देवी से मामले को लेकर पूछताछ की। महिलाओं ने बताया कि विद्यालय के शौचालय में नवजात शिशु का शव कैसे आया, इसकी जानकारी मुझे नहीं है। विद्यालय की शिक्षिका धनबाद में रहती है। वही झरिया पुलिस ने महिलाओं से विद्यालय के ताले की चाबी मंगवाई, शौचालय का ताला खुलवाकर नवजात शिशु के शव को कब्जे में लेकर चल गई। मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों ने बताया कि शव को देखने से कुछ घंटे पहले कहीं शव लग रहा था। झरिया थानेदार पंकज कुमार झा ने बताया कि घटना की जानकारी मिली है, पुलिस मामले की जाँच कर रही है। बनियाही नंबर 2 पड़ता है, ठीक है, और यहाँ एक सरकारी स्कूल है, प्राथमिक विद्यालय है, बच्चों लोग का क्लास चलता है यहाँ पे। तो जैसे कि लाइट कटी हुई थी शाम के समय, तो कुछ बच्चा जो भी खेलने वलने वाला है, जो भी शादी ब्याह का माहौल है, तो वो गया टॉयलेट के लिए, तो जाहिर सी बात है लाइट जला के जाता है। तो लाइट जला के गया तो वहाँ पे ब्लड वगैरह देखा। ब्लड देखने के बाद मतलब हम लोग जब मोड़ पर से इधर आए तो बताया कि भैया ऐसा ऐसा बात है, सो इस तरह का मतलब देखे एक छोटा सा नवजात बच्चा स्कूल के टॉयलेट के अंदर घुसाया हुआ है। तो ये चीज़ देख करके हम लोग झरिया थाना को सूचित किए हैं, 100 नंबर पर डायल किए हैं। तो झरिया थाना आई है तो अपना वेरिफिकेशन कर रही है।